अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम टोपोलॉजी के क्विज को डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोपोलॉजी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। फर्स्ट ऑप्शन है जिसके अंदर टॉ एक कलेक्शन दी हुई है, एम्प्टी सेट फाई है, और इसके साथ इसमें ऐसे तमाम सेट्स हैं, ऐसे तमाम इंटरवल्स हैं जो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, मतलब एन, सॉरी, यहाँ पर एन जो है ये आर नहीं बल्कि जी आएगा। एन जो है ये कोई भी इंटीजर है, तो उस सूरत में मतलब इसके अंदर इस तरह के आ जाएंगे सारे इंटरवल्स, जैसे -1 1, -2 से 2 तक, और -3 से 3, इस तरह के सारे जो ओपन इंटरवल्स हैं वो इस सेट में मौजूद हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड कलेक्शन है उसमें एक तो सारे का सारा आर जो है ये कंप्लीट आर उसमें मौजूद है, और फिर ऐसे सारे आर के सब सेट्स हैं, आर के तमाम सब सेट्स हैं जिनके अंदर 2 इंक्लूड ना करता हूं। सिमिलरली थर्ड कलेक्शन हमारे पास है जिसमें एम्प्टी सेट है, और ऐसे तमाम आर के सब सेट्स हैं जिनका कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है, और फिर फोर्थ ऑप्शन है कि ये तमाम की तमाम जो है ये आर के ऊपर टोपोलॉजीज बनाती हैं। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन अगर हम इनको देखें तो ये जो फर्स्ट वन है ए, ये भी आपके पास एक टोपोलॉजी है। ए ऑप्शन में बेसिकली जैसे मिसाल के तौर पे ये हम रियल लाइन ले रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, -2 है। तो अगर आप ये देखें कि -1 और 1 ये बेसिकली सबसेट है -2 और 2 का, और ये सबसेट है -3 और 3 का, इसका मतलब है कि हर नेक्स्ट जो बड़े वाला सबसेट है वो प्रीवियस को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो इनमें से अगर आप इनका यूनियन लेंगे तो वो बड़े वाला सेट आएगा, और इंटरसेक्शन लेंगे तो वो स्मॉलर सेट आ जाएगा। तो इसमें से जो भी आप कोई भी 2 सबसेट्स लेंगे वो या तो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, या फिर वो अपने आप को मतलब उनमें से सबसे बड़े वाला होगा वो उसका यूनियन आ जाएगा, और जो सबसे स्मॉलर होगा वो इंटरसेक्शन आ जाएगा। और फाई भी इसके अंदर मौजूद है, और ये चूंकि एन जो है ये जी को बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग करे तो भी ये आपके पास टोपोलॉजी होगी, लेकिन यहाँ पे जी था तो ये टोपोलॉजी है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप 2 एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब अब हम यहाँ पर ऐसी बात करें कि U1 और U2 अगर टॉ को बिलोंग कर रहे हैं, बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों के अंदर इसमें भी 2 मौजूद नहीं होगा और इसमें भी 2 नहीं होगा, तो जब हम उनका यूनियन लेंगे तो वो ऐसा सेट बनेगा जिसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, और अगर हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आर का ऐसा सेट बनेगा जिसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्यों हुआ कि ये भी आपके पास टोपोलॉजी है, तो एम्प्टी सेट खुद ब खुद ही इसको बाय डेफिनेशन बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर भी 2 मौजूद नहीं होता। और थर्ड ऑप्शन जो है ये भी टोपोलॉजी है, इसको हम को फाइनाइट टोपोलॉजी का नाम देते हैं, तो ये आर के ऊपर को फाइनाइट, तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन डी है, कि ये सारी की सारी आर के ऊपर टोपोलॉजीज बनाएंगी। सेकेंड हमारे पास सेट क्वेश्चन है कि आर आर के ऊपर हमने यूजुअल टोपोलॉजी ली है, टॉ यू से मुराद क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में सारे के सारे जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन इंटरवल्स का यूनियन होते हैं, और इसके साथ हमने जी जो है ये हमने इसकी सब स्पेस टोपोलॉजी ली हुई है। तो फिर अगर आप इस सेट का कुलैयर लेना चाहते हैं इन सब स्पेस टोपोलॉजी, तो फिर वो बताइए किसके बराबर होगा।
इसमें ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए जी टॉ जो है ये सब स्पेस टोपोलॉजी है। इसका मतलब ये होगा कि अगर सब स्पेस टोपोलॉजी जी के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, माइनस टू है इसके अंदर, -1 है, 0 है, 1, 2 अप टू सो ऑन, ये सारे इसमें इंटीजर्स पड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसमें से कोई एक पर्टिकुलर इंटीजर पिक कर लेता हूँ, जैसे मैंने 2 पिक कर लिया हुआ, तो इस 2 को सेंटर मानते हुए मैं ओपन इंटरवल बना लेता हूँ। मतलब इसमें से आप 0.1 माइनस कर दें तो ये 1.9 आ जाएगा, और इसमें 0.1 ऐड कर दें तो 2 पॉइंट्स। ये मेरे पास एक ऐसा ओपन इंटरवल है जो मैंने 2 को सेंटर मानते हुए लिया। यहाँ पर 2.1 आ गया और यहाँ पर 1.9 आ गया। तो अब मैंने यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि कोई भी अगर आप इंटीजर लेते हैं तो उस इंटीजर को सेंटर मानते हुए देर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। मतलब उस आर को आप एन में से माइनस भी कर देंगे, उसमें प्लस भी कर देंगे। मतलब बात मैंने यूं की हुई है कि अगर ये एन है आपके पास तो ये कोई एन प्लस आर बन जाएगा, और इससे प्रीवियस ये कोई एन माइनस आर बन जाएगा, सच दैट कि अगर आप, अब ये जो सेट है ना आपके पास ओपन इंटरवल जो मैंने एन को सेंटर मानते हुए बना लिया, ये वाला सेट, ये बेसिकली यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ओपन है, ठीक है ना, टॉ यू के अंदर ये एक ओपन सेट है। और सब स्पेस टोपोलॉजी का तरीकेकार ये होता है कि जो ग्राउंड टोपोलॉजी होती है, बड़े वाली टोपोलॉजी, उसका कोई ओपन सेट लेते हैं, और जो उसकी सब स्पेस वाला सेट होता है उसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। तो जी के साथ अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, जैसे मैंने अभी बात की थी कि मेरे पास 1.9 है और इसके अलावा कौन है, 2.1 है, इस ओपन इंटरवल का अगर आप जी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों सेटों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो तो जस्ट 2 है, इसीलिए इसका आंसर 2 आएगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पर जनरली ये कह रहा हूं कि अगर आप इस ओपन इंटरवल का इस जी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इस ओपन इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर मौजूद है जो कि एन है, तो इसीलिए जेड में भी वो एन मौजूद होगा, तो इसलिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास एन आ जाएगा, सिंगलटन सेट। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह अगर आप किसी भी इंटीजर को सेंटर मान लेते हैं, उसको सेंटर मानते हुए एक स्मॉल रेडियस के साथ उसके इर्द गिर्द वाले पॉइंट्स लेकर आप एक ओपन इंटरवल ऐसा बना लेते हैं जिसके अंदर कोई और इंटीजर नहीं है, तो वो तो फिर ओपन होगा यूजुअल टोपोलॉजी में। और हर उस ओपन सेट का अगर जी के साथ आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इस तरीके से हर हर इंटीजर आपको उस इंटरसेक्शन के बदले में हासिल होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि Z के अंदर जो सिंगलटन सेट्स हैं वो सारे के सारे ओपन होंगे, और जिस टोपोलॉजी में सिंगलटन सेट्स ओपन आ जाए वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। तो ये मैंने सारी वजाहत नीचे लिखी हुई है कि एन इज ओपन इन Z फॉर ऑल इंटीजर्स, मतलब तमाम इंटीजर्स के लिए ये ओपन है। तो इसका मतलब है कि जी जो है ये एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ईच सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजी की खासियत ये है कि उसका हर सेट ओपन भी होता है और हर सेट क्लोज भी होता है। तो अब जो स्टार्ट में आपको क्वेश्चन के अंदर ये सेट ए दिया हुआ था, ये चूंकि क्लोज्ड सेट है डिस्क्रीट टोपोलॉजी की वजह से, और क्लोज्ड सेट की एक खासियत होती है कि अगर आप उसका क्लोजर लें तो वो इटसेल्फ आ जाता है, तो इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। आर मैंने यूजुअल टोपोलॉजी ली हुई है, इसके बाद ये मैंने एक सेट लिया हुआ है जिसमें 0 है, 1 है, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। तो आपने ये बताना है कि आर के अंदर ये ओपन है
या आर के अंदर ये क्लोज है या ये क्लोपन सेट है, क्लोपन से मुराद ओपन या क्लोज दोनों हो, नीदर ओपन नार क्लोज है। अच्छा अब यहां पर ऑप्शन बी जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लोज्ड सेट की एक और प्रॉपर्टी भी ये थी कि कोई भी सेट, उसकी डेफिनेशन भी कई बुक्स में यही लिखी हुई है कि एक ऐसा सेट टोपोलॉजी के अंदर क्लोज्ड सेट कहलाता है जो अपने अंदर अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे। तो यही थ्योरम मैंने नीचे लिखा हुआ है कि अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड इफ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। तो अब यहां पर इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो तो जीरो है, विच बिलोंग्स टू द सेट, और वो सेट के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये फिर क्लोज्ड सेट है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है, अगर आर हमारे पास को फाइनाइट टोपोलॉजी है तो फिर आपने बताना ये है कि आर माइनस एन जो है ये इसका ओपन सेट है, क्लोज्ड सेट है, ओपन और क्लोज दोनों हैं या इनमें से कोई भी नहीं है। अच्छा को फाइनाइट टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो यू जो है यू इज ओपन, यू जो है को फाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन तब होगा इफ इट्स कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। तो अब बेसिकली आर माइनस एन जो है ये तो एन का कंप्लीमेंट है आर में से, और ये तो आपके पास फाइनाइट नहीं है, ठीक है ना। आर माइनस एन को अगर आप लिखें तो मेरा ख्याल है इसको आप यू लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से वन आ जाएगा, फिर यूनियन वन से टू आएगा, फिर यूनियन टू से थ्री आएगा, और इस तरह से ये चलता जाएगा, और ये एक इनफाइनाइट सबसेट है आर का। तो ये चूंकि एन का जो कंप्लीमेंट है ये खुद इनफाइनाइट है, और अगर हम इसका इसका कंप्लीमेंट लें, मतलब इसका मतलब है कि आर माइनस एन जो है ना ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है। अच्छा क्योंकि क्लोज इसमें सारे के सारे जो होंगे ना वो फाइनाइट सेट होते हैं, वो फाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर जो सारे क्लोज सेट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। अब आर माइनस एन को तो हमने देखा कि यही फाइनाइट, इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। तो आर माइनस एन का अगर हम कंप्लीमेंट लें तो इसका मतलब ये होगा एन के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लें तो वो तो एन आ जाएगा, और एन खुद भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट नहीं है। तो इसका मतलब है आर माइनस एन जो ये क्लोज भी नहीं है, ओपन भी नहीं है, तो ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नीदर ओपन नार क्लोज। तो ये मैंने नीचे इसकी वजाहत लिख दी हुई है कि इन को फाइनाइट टोपोलॉजी अ सेट ए इज ओपन इफ इट्स कंप्लीमेंट इज फाइनाइट, एंड आर माइनस एन का कंप्लीमेंट जो है वो एन है जो कि इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये ओपन नहीं है, और इन को फाइनाइट टोपोलॉजी अ सेट इज क्लोज्ड इफ इट इज फाइनाइट, बट आर माइनस एन इज नॉट फाइनाइट सो इट इज नॉट क्लोज्ड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आर के ऊपर हमने को फाइनाइट टोपोलॉजी ले ली थी है, तो फिर आपने जी का कुलैयर फाइंड आउट करना है, आर के अंदर आपने Z का कुलैयर फाइंड करना है। अब इसमें जो कुलैयर था इसकी एक डेफिनेशन ये भी थी कि आपने ना इंटरसेक्शन लेना होता है उस सेट के जितने भी क्लोज्ड सुपर सेट्स होते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये थी कि कुलैयर जो होता है वो उसका स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होता है। अच्छा अब यहां पर बेसिकली आर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, रीजन ये है
एक पुलैयर को हम यूं कहते हैं कि वो ए का जो पुलैयर होता है वो स्मॉल है, क्लोज सुपरसेट है ए का। अब आपने बताना ये है कि बी का जो सुपरसेट हो और क्लोज भी हो। हमने तो ये पढ़ा है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्लोज होते हैं जो फाइनाइट होते हैं, तो अब जी खुद इनफाइनाइट है, इसका मतलब है इसकी एक ही सूरत है कि इसका जो सुपर सेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आर खुद होगा। इन कोफाइनाइट टोपोलॉजी और आर ऑल क्लोज सेट्स आर फाइनाइट, ओनली इनफाइनाइट क्लोज सेट इज आर इटसेल्फ। सो जेड प्लेयर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ जी दैट इज इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अगर एक्स को हम सपोज कर लेते हैं इसके अंदर टू एलिमेंट्स हैं ए और बी, और इन इस सेट के ऊपर हम टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करते हैं। टा वन एक टोपोलॉजी है जो कि इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, एक टा टू टोपोलॉजी है, टा थ्री टोपोलॉजी है, और टा फोर एक टोपोलॉजी है जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ये फोर इसके ऊपर टोपोलॉजीज मैंने बना ली हुई है, और आपने बताना ये है कि इनमें से कौन सी टोपोलॉजी जो है, कौन सी दो टोपोलॉजीज जो है वो नॉट कंपेरेबल है। अच्छा, दो टोपोलॉजीज कोई भी टा वन एंड टा टू आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ टॉ वन इज सबसेट ऑफ टॉ टू या फिर टॉ टू इज सबसेट ऑफ टॉ वन। मतलब एक टोपोलॉजी दूसरी में कंटेन करे और दूसरी पहले में कंटेन, या फिर दूसरी पहले में कंटेन करे, तो फिर हम कहते हैं कि वो कंपेरेबल है। इसमें टॉ टू और टॉ थ्री जो है ना, ये दोनों टोपोलॉजी ये भाई कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगलटन सेट ए है तो वो टॉ थ्री में नहीं है, और टॉ थ्री में बी है तो ए में नहीं है। मतलब टॉ टू इज नॉट अ सबसेट ऑफ टॉ थ्री एंड टॉ थ्री इज नॉट अ सबसेट ऑफ टॉ टू। सो वी कैन से दैट बी ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट टॉ टू एंड टॉ थ्री आर नॉट कंपेरेबल। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच टोपोलॉजिकल स्पेस ईच पॉइंट हैज अ सिंगल नेबरहुड। तो ऑप्शंस में डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो ये किस तरह से करेक्ट है, नेबरहुड को हम क्यों डिफाइन करते हैं। एक्स आपके पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, और किसी एक्स के किसी भी पॉइंट का जो नेबरहुड है वो एक्स का एक ऐसा सबसेट होता है जिसके लिए एक ओपन सेट यू कंटेन करे, सच दैट ए जो है वो उस ओपन सेट में बिलोंग करता हो और वो ओपन सेट एन का सबसेट। मतलब इसको डायग्रामेटिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम इसको यूं बयान करेंगे कि ये आपके पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, इसका मैंने कोई पॉइंट ए चूज कर लिया हुआ है, तो अगर ये एन जो है, ये मैंने एक सेट बना लिया एन, ये उस वक्त ए का नेबरहुड होगा अगर एन के अंदर कोई ऐसा ओपन सेट भी पड़ा हो जो कि ए को कंटेन कर रहा हो। ठीक है ना, अगर एन के अंदर मतलब एन का कोई सबसेट यू होना चाहिए जो कि ओपन सेट और ए को कंटेन करता हो, मतलब ए उस ओपन सेट यू के अंदर बिलोंग करे और यू ओपन सेट जो है वो एन का सबसेट हो, उस सूरत में एन को कहेंगे कि वो उसका ए का नेबरहुड है। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ए की ओपन सेट होता है जो पॉइंट्स को कंटेन करता है, दूसरा तो एम्प्टी सेट होता है। तो इसका मतलब है कि इस टोपोलॉजी के अंदर चाहे आप जितने भी पॉइंट्स ले लें, ए बी सी जो मर्जी ले लें, अब ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट जो है वो एक्स है और इसका जो सुपर सेट है वो सिर्फ एक्स ही है। तो
तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट का सिर्फ एक ही नेबरहुड होगा, सिंगल नेबरहुड होगा, वो एक्स होगा जब वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ इटसेल्फ। ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए एंड इट्स बाउंड्री हैज एम्प्टी इंटरसेक्शन। नन ऑफ दीज। इनमें से आपने बताने हैं इनमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं है। अच्छा, ये तीनों जो स्टेटमेंट्स है ना, ये तीनों ही दुरुस्त है। ये मुख्तलिफ किताबों के अंदर ये ओपन सेट की डेफिनेशंस होती हैं। बाज जगहों पर ये थ्योरम की सूरत में, अगर इनमें से कोई एक डेफिनेशन बना दी जाती है तो बाकी उसके थ्योरम की सूरत में फिर रिजल्ट्स दे दिए जाते हैं। तो करेक्ट जो ऑप्शन है ना वो डी है, कि इनमें से कोई स्टेटमेंट भी दुरुस्त। उसने ये पूछा था कौन सी दुरुस्त नहीं है, तो ये सारी स्टेटमेंट ही दुरुस्त हैं, तो इसीलिए नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर है नाइन। इफ अ सब स्पेस इज डिस्क्रीट देन द ग्राउंड स्पेस इज ऑलवेज डिस्क्रीट, मे आर मे नॉट डिस्क्रीट, नेवर डिस्क्रीट, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर कोई सब स्पेस डिस्क्रीट है तो फिर लाजमी नहीं है ग्राउंड स्पेस भी डिस्क्रीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे मैं इसकी मिसाल लूं, अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में पढ़ा कि हमने यूजुअल टोपोलॉजी आर के ऊपर डिफाइन कर ली, फिर हमने उसके ऊपर एक सब स्पेस जी पर डिफाइन की, और फिर हमने साबित किया कि ये डिस्क्रीट है। लेकिन ये जो आर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी थी ये नॉट डिस्क्रीट थी, तो इसका मतलब है कि अगर सब स्पेस डिस्क्रीट हो तो फिर लाजमी नहीं है कि उसकी जो बड़े वाली टोपोलॉजी होती है, जो उसकी ग्राउंड टोपोलॉजी होती है, वो भी आपके पास ग्राउंड स्पेस भी डिस्क्रीट हो, ये लाजमी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो उसी एग्जाम्पल को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम ऑलरेडी उस क्वेश्चन के अंदर स्टडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। एफ मैंने एक कंटिन्यूअस फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया फ्रॉम एक्स टू वाई, तो देन इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन, इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, इनवर्स ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, या ये तमाम दुरुस्त हैं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है जी सी, इनवर्स ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। इसकी क्या रीजन है? देखिए, ये मैंने नीचे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर आपके पास एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस है और एफ आप एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम एक्स टू वाई, तो देन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूअस ऑन एक्स इफ फॉर ईच ओपन सेट वी ऑफ वाई द इनवर्स इमेज इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये वाई आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, इन दोनों के ऊपर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर आप एक ओपन सेट लेते हैं जी वी वाई से, इसका जो इनवर्स इमेज है, इसका जो इनवर्स इमेज है ना एफ इनवर्स, तो वो यहाँ पर एक्स के अंदर ओपन होना चाहिए। एफ इनवर्स ऑफ वी जो है वो एक्स के अंदर ओपन होना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट सी के अंदर तो क्लोज की बात हुई हुई है, तो इसी को आप क्लोज की फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं। वो एक थ्योरम की सूरत में मैंने नीचे लिखा हुआ है।
तो यही स्टेटमेंट में ओपन वाली बात भी हो सकती है, क्लोज वाली बात भी। अच्छा, जो पहली दो ऑप्शंस है ना, ए और बी वाली, ये भाई डेफिनेशंस है ओपन मैपिंग की। दिस इज डेफिनेशन ऑफ ओपन फंक्शन और दिस इज डेफिनेशन ऑफ क्लोज फंक्शन। क्लोज फंक्शन ये कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये ओपन और क्लोज फंक्शन की डेफिनेशन है। जी, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। अगर एक्स एफ आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, और ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, कि जो आप इनपुट देते हैं वही आपको बदले में आउटपुट मिल जाती है, और आर के ऊपर आपने एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है, मतलब आर का हर सेट सिंगलटन हो, जो मर्जी हो इंटरवल हो, कोई मर्जी सबसेट आप आर का ले वो ओपन होगा, और इसी तरह आर पर आपने एक यूजुअल टोपोलॉजी भी डिफाइन की हुई है और उसको आपने वाई से इंडिकेट किया हुआ है। तो फिर आपने ये बताना है कि ये जो फंक्शन हमने लिया है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये ओपन फंक्शन है, या ये क्लोज फंक्शन है, ये तमाम बातें दुरुस्त है। तो वन बाय वन हम तमाम ऑप्शंस को देखते हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो ए वाली ऑप्शन होगी। कैसे होगी इसको हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक ओपन इंटरवल आपने ले लिया यूजुअल टोपोलॉजी में से, तो इसका जो इनवर्स मैपिंग होगी वो आपके पास, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है तो जो आपके पास इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन है, तो इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, ठीक है, क्योंकि ओपन का इनवर्स जो है वो ओपन आ रहा है, तो इसका मतलब है वो डिस्क्रीट नंबर, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ये एक ओपन मैपिंग नहीं है। बुनियादी तौर पे इसको थोड़ा सा समझे तो यूं समझ ले ये डिस्क्रीट है, और दोनों ही आर के ऊपर डिफाइन किए हैं, ये भी सेट आर है और ये भी आर है, और जबकि ये यूजुअल टोपोलॉजी है। अब यहां पर देखें, एफ इज नॉट ओपन मैपिंग, क्यों? मिसाल के तौर पर ये मैंने एक सेट ले लिया है इसमें से 1, 2 और 3, अब ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन है, मतलब जिसमें से मैं ले रहा हूं उसमें ये ओपन है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करता हूं तो ये मुझे इस टोपोलॉजी का कोई सेट 1, 2, 3 मिल जाता है, और ये यूजुअल टोपोलॉजी है, यूजुअल टोपोलॉजी में ये ओपन नहीं होता, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी में सारे ओपन इंटरवल्स ओपन होते हैं, तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज नॉट ओपन इन नॉट ओपन मैपिंग। सिमिलरली ये क्लोज भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी से अगर हम 1 और 2 ये सेट लेते हैं तो डिस्क्रीट में तो हर सेट ही ओपन होता है ना, इसके ऊपर आप मैपिंग अप्लाई करते हैं, मैपिंग आइडेंटिटी है, इसलिए जो आपने इनपुट दिया वही आपको दूसरी टोपोलॉजी में आउटपुट मिलेगा। आपने सेट ओपन लिया था, लेकिन यूजुअल टोपोलॉजी में भी, सॉरी डिस्क्रीट में ये क्लोज भी था, हर सेट क्लोज भी होता है, तो डिस्क्रीट में ये क्लोज था लेकिन इसकी जो मैपिंग है वो यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन ही है, ये क्लोज नहीं बनी, तो इसको क्लोज होना चाहिए था अगर ये क्लोज मैपिंग होती, तो इसीलिए ये वाली मैपिंग जो है ये क्लोज भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर है जी 12। अगर एफ आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू दिस सेट दैट इज ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 + x mod, तो इनमें से फिर आपने बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। एफ कंटिन्यूअस मैपिंग है, एफ इनवर्स कंटिन्यूअस मैपिंग है, एफ बाइजेक्टिव है, या होमियोमॉर्फिज्म है। अच्छा, होमियोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है उसमें पिछली तीनों ऑप्शंस आ जाती हैं, मतलब अब मैपिंग इज सेट टू बी होमियोमॉर्फिज्म इफ एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब भाई हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं या इनमें से कोई एक करती है।
जी बेसिकली ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। अब ये इस क्वेश्चन का सलूशन तो वेरी लॉन्ग है, आप इसको याद कर ले तो ज्यादा बेटर है। बहरहाल इसका सलूशन मैंने नीचे दिया हुआ है, उसको हम एक नजर देख लेते हैं। अच्छा, जो फंक्शन आपको दिया हुआ था उसके बटे में मॉड एक्स था, तो इसको मैं ब्रेक करके दो दफा लिख लेता हूं। अगर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू दे तो ये मॉड पॉजिटिव ले लिया, और एक्स की नेगेटिव वैल्यूज ले तो ये मॉड मैंने नेगेटिव ले लिया। इस तरीके से मैंने ये पीस वाइज फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं। पहले हम पॉजिटिव एक्स के लिए देखते हैं केस वन, जब एक्स आपके पास पॉजिटिव हो फिर फंक्शन ऊपर वाला यूज करेंगे। तो इसको मैं देख रहा हूं कि ये वन वन फंक्शन है या नहीं है, तो इसके लिए मैं दो पॉइंट्स लेता हूं और उनकी इमेजेस को बराबर ले लेता हूं, वैल्यूज पुट करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स वन भी एक्स टू के बराबर आ जाते हैं। और हमें पता है कि अगर एफ ऑफ ए बराबर हो एफ ऑफ बी के, और यहां से अगर हम ए बराबर बी हासिल कर ले, तो वो फंक्शन जो होता है वो वन वन फंक्शन होता है। तो इसका मतलब हमने साबित कर दिया है कि फंक्शन इज, तो एफ इज वन वन फॉर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। सिमिलरली केस टू के लिए आप खुद प्रूफ कर सकते हैं कि जब एक्स नेगेटिव होगा तो उस सूरत में भी फंक्शन जो है वन वन होगा। तो ये हमने अभी इसको वन वन प्रूफ कर दिया। बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए इसको ऑन टू प्रूफ करना भी जरूरी है। तो ये फंक्शन मैंने ले लिया हुआ है। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसकी जो रेंज होती है, मतलब एक फंक्शन एफ है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो एफ एफ फंक्शन को आप ऑन टू कहेंगे कि अगर इसकी जो रेंज है वो आपके पास वाई सेट के बराबर आ जाए। अब इसमें वाई सेट जो है वो ओपन इंटरवल -1 से 1 तक दिया हुआ है, अगर इस फंक्शन की रेंज -1 से 1 तक आ गई तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। अभी हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है, तो इसकी रेंज निकालने के लिए मैंने फंक्शन के दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। तो यहां से मैंने मतलब कोई भी नंबर है, जैसे एक्स नॉट एक पॉजिटिव नंबर है तो ये अपने आप के तो बराबर होगा, लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड पे 1 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, फिर ये राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी बल्कि वो ग्रेटर हो जाएगी। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि सिंस एक्स मॉड इज लेस देन 1 प्लस एक्स मॉड, इसको आप डिवाइड कर देंगे 1 प्लस एक्स मॉड को, ये लेस देन 1 होगा, तो एफ ऑफ एक्स का जो मॉड है वो लेस देन 1 आ गया। अब कैलकुलस में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक्स का मॉड लेस देन 1 हो या ए हो, तो इसको हम ओपन करके यूं राइट कर सकते हैं कि एक्स इज लेस देन ए और ग्रेटर देन माइनस ए। तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहां पर यूज करके एफ ऑफ एक्स लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 लिखा, और यहां से साबित हो गया कि एफ की जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। तो यहां तक साबित हो गया कि एफ जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, एफ को हमने प्रूफ कर दिया है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमने प्रूफ कर दिया है जी। अब हम इसको कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे, तो यहां से इनवर्स इनवर्स फंक्शन भी पहले इसका निकालते हैं, उसको भी कंटिन्यूस प्रूफ करना है। तो अभी मैं इसके इनवर्स फंक्शन निकाल रहा हूँ, तो इसको सिंप्लीफाई करके तो यहां से आप मॉड एक्स निकाल लेते हैं इस फॉर्म। अब ये जो मॉड एक्स की कीमत हमने निकाली हुई है यहाँ पर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इस मॉड एक्स की जगह पर, और यहाँ से ये सिंप्लीफाई होकर एक्स की वैल्यू आ जाती है, दैट एक्स की वैल्यू को एफ इनवर्स ऑफ वाई का नाम दे सकते हैं। तो ये मेरे पास फंक्शन का इनवर्स निकल आया जी। इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यहां पर मैंने एक ओपन इंटरवल ले लिया -1 1 में से, और इस पर इनवर्स इमेज अप्लाई करते हैं तो वो -1 1 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये ओपन सेट है आर के अंदर, तो एफ कंटिन्यूस है। तो इसी तरीके से आप कोई और ओपन इंटरवल लेकर उसका भी ये निकाल लेते हैं, तो ये ओपन सबसेट होगा -1 1 में, तो इसका मतलब है एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरीके से ये इसका एक थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन है।
बहरहाल इसको याद कर ले तो ज्यादा बेहतर है कि ये वाला फंक्शन जो है इस इंटरवल के ऊपर ये होमियोमॉर्फिज्म है। जी क्वेश्चन नंबर है 13। अगर आर के ऊपर हम एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं तो फिर ये आर T1 होगी, T2 होगी, या T1 और T2 दोनों होगी, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है कि आर अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो ये T1 होती है, तो इसका मतलब ये T2 नहीं होती। ये रिजल्ट्स मैंने नीचे लिख दिए हुए हैं कि आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज T1 बट नॉट T2। ये मैंने रेफरेंस के तौर पर ये थ्योरम साथ लिख दिया। जी एक्स इज अ टी वन स्पेस इफ एंड ओनली ईच वन पॉइंट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। तो इफ एक्स इज टी वन स्पेस इफ एंड ओनली एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। तो आर में जो आर अगर को फाइनाइट टोपोलॉजी है तो हमें पता है कि इसमें सारे सेट ही जो फाइनाइट होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो अगर आप सिंगलटन सेट भी लेंगे तो वो क्लोज होगा, ठीक है। अगर वन से ज्यादा मतलब फाइनाइट सेट लेते हैं तो वो भी क्लोज होगा, इसलिए ये T1 बट ये T2 नहीं होती। अच्छा T2 के लिए मैंने नीचे रेफरेंस के तौर पे लिखा हुआ है कि एक्स इज हॉस्ट ऑफ स्पेस, हॉस्ट ऑफ स्पेस जो है T2 स्पेस का दूसरा नाम है। तो अगर आप कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वाले सेट लेते हैं एक्स के अंदर और वो दोनों क्लोज होते हैं, C1 और C2 दोनों क्लोज हैं, तो फिर उन दोनों का यूनियन x के बराबर आना चाहिए। अब यहां पर देखिए एक सेट में ले लेता हूं जी वन, ये क्लोज है, एक सेट टू ले लेता हूं ये भी क्लोज है, तो जब मैं इनका यूनियन लूंगा तो दिस इज नॉट इक्वल टू x। जब क्यों, x तो r के बराबर है ना, एक्स तो आर है तो ये आर तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि ये थ्योरम जो है ये इसकी वायोलेशन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये T2 स्पेस नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर है जी 14। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, बी एन T2 स्पेस, T3 स्पेस, T4 स्पेस, या नन ऑफ दिस। इसकी सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, P4 जो होती है इसकी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्पेस X आपके पास टी आई स्पेस है, टी आई कोई भी स्पेस है, तो अगर हम उसका सब सेट लेते हैं y इज सबसेट ऑफ x, देन बीइंग अ सब स्पेस y इज आल्सो टी आई स्पेस, मतलब वो वाली प्रॉपर्टी सब स्पेस के अंदर भी होल्ड करनी चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी को हम हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो T2 की स्पेस सब स्पेस T2 होती है, T3 की हर सब स्पेस T3 होती है, लेकिन T4 की हर सब स्पेस T4 नहीं होती, बल्कि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कंडीशन भी होती है, वो मैंने नीचे रेफरेंस के तौर पर लिखी हुई है। T2 स्पेस जो है ये हेरिडिटरी स्पेस है, और T3 स्पेस जो है ये भी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, जबकि T4 जो है ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो एक्स्ट्रा कौन सी कंडीशन है कि T4 जो है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी बन जाए, उसके लिए जरूरी है कि जो T4 स्पेस जो है ये क्लोज हेरिडिटरी है, मतलब जो आप उसकी सब स्पेस लेंगे ना एक्स की, अगर वो क्लोज्ड सब स्पेस होगी, उसका क्लोज्ड सेट होगा, तो फिर वो लाजमी तौर पे T4 होगा। अगर वो क्लोज नहीं है फिर लाजमी नहीं है कि वो भी T4। क्वेश्चन नंबर है जी 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से आपने बताना है कौन सी बात दुरुस्त नहीं है। Phi is connected, a subspace with only one element is connected, every discrete space is connected, या none of these। Option C correct है कि हर discrete space जो है ये connected है, ये लाजमी नहीं है। तो इसके लिए मैंने reference के तौर पर नीचे results लिखे हुए हैं कि every indiscrete space is connected। Indiscrete जो होती है वो तो connected होती है,
लेकिन हर डिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे वो डिसकनेक्टेड होगी, वो कनेक्टेड नहीं होगी। और ऐसी स्पेस जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है वो हमेशा कनेक्टेड होती है, और एम्प्टी सेट जो होता है वो भी कनेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पैक्ट? अ फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, रियल लाइन आर, एनी टोपोलॉजिकल स्पेस विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है ना करेक्ट है, रियल लाइन आर जो होती है ये कॉम्पैक्ट नहीं होती। तो ये यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं कि एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस वेयर एक्स इज फाइनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट स्पेस, एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस वेयर टॉ इज फाइनाइट टोपोलॉजी इज कॉम्पैक्ट स्पेस, एंड इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी वेयर एक्स इज इनफाइनाइट इज नॉट कॉम्पैक्ट, आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज नॉट कॉम्पैक्ट। रीजन ये है कि सी जो है उस पे अगर हम ये वाला कवर डिफाइन कर लेते हैं तो इसका कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए हाउस्ड ऑफ स्पेसेस ऑलवेज क्लोज्ड। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए हाउस्ड ऑफ स्पेसेस ऑलवेज क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज नॉट कॉम्पैक्ट? तो इसकी भी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी में वो सेट कॉम्पैक्ट होंगे जो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। ये वाला सेट क्लोज्ड है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, ये क्लोज है। 0 इसका लोअर बाउंड है, 1 इसका अपर बाउंड है, तो ये बाउंडेड भी है, क्लोज भी है बाउंडेड भी है। ये जो सेट है ये क्लोज भी है बाउंडेड भी है। ये वाला सेट बाउंडेड तो है लेकिन ये क्लोज नहीं है, इस वजह से ये कंपैक्ट नहीं हो सकता। ये सारी रीजंस मैंने यहाँ पे राइट कर दी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहां तक हमने ये पूरा क्विज डिस्कस कर लिया हुआ है। अभी भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।